नानक दे लंगर की कीमत पूरी दुनिया नू दस दिंदी आ कि असी कल्ला प्रशादा नहीं बदाम काजू पिस्ता भी असी खिला सकते हैं बाबे नानक दी। समझदार आ वो पहले समझे हो एक नौ जेड़े आ साडे मौत दा एक ब्रांच आ जे आपां इह मौत नूं कह दईए डेढ़ साल बाद लगनी आ दो साल बाद लगनी आ जां तीन साल बाद लगनी आ उह सजाए मौत फांसी जिहड़ी आ उह मौत आ। कई लोग इह सोचदे आ किसान लीडरां ने इह गलत कर दित्ता जे दो साल बाद दी गल सी जदों लगनी फांसी आ चाहे जे अज कहिंदे आ ला दिओ ते चाहे कहिंदे दो सालां नूं ला दिओ असीं नहीं फांसी लाउणी चाहुंदे हर किसान नूं क्योंकि किसान जिहड़ा उह मालक आ उहनूं मालक बणिआ रहिणा देखणा चाहुंदे आ। ते दूसरी गल आ गई कि 26 जनवरी नूं किसानां ने कल्ला जिहड़ा डीजल आ उह 500 करोड़ रुपये का फूक दित्ता। इह छोटी मोटी गल नहीं हैगी पंजाब सरकार चाहे वह किसी भी सरकार चाहे वह सेंटर सरकार आ उन्होंने 300 करोड़ रुपया मुआवजा मिले 500 करोड़ चो और तुसी कहोगे खरे ज्यादा कह दिता सरकारी रिपोर्ट आ 5 तो लैके 6 लाख ट्रैक्टर दिल्ली दे विच इकट्ठा होया सीगा आपां 5 लाख नूं मान लईए। कई लोगों का डीजल 30,000 का लगा किसी का 40,000 का लगा कोई उत्तराखंड तो आया कोई राजस्थान तो आया कोई कितों आया कोई MP तो आया कोई पंजाब तो अमृतसर तो गया कोई गुरदासपुर तो गया कोई दुआबे चो गया। जे आप 10,000 रुपये का भी डीजल ला लीए 5 लाख के मगर 5 सिफर लग दया ओदे नाल 4 सिफर 10,000 दया होर ला लो 5 लाख करोड़ रुपया बनता एक दिन का डीजल जेड़ा के किसानां ने फूक दिता पर उस तो बिना रोटी पानी बखरा गया हर जो रोज खर्चा जेड़ा है करोड़ों दे विच हो रहा। गुरु नानक दे लंगरां दी कीमत पूरी दुनिया नूं दस दिंदी आ कि असीं कल्ला प्रशादा नहीं बदाम काजू पिस्ता भी असीं खिला सकते हैं बाबे नानक दी। कई लोग कहते हैं भी बाबे नानक की अज वह गल नहीं गुरद्वारा दे विच मैं उन्होंने कहना चाहना तुसीं धर्म के ठेकेदार ना बनो जिन्हां 32 जथेबंदियां वह साडे अर्थ चारे नाल जुड़िया आ उन्होंने असीं अपना डिक्टेटर बनाया मोर्चे का साडे धर्म के जिहड़े डिक्टेटर आ ना बनो क्योंकि उहदे विच बड़ा दुख लगा। मैनू कई सिंघां ने आके सवाल किया कि 1699 दे विच जिहड़ा खालसा पंथ नहीं साजिया गया इतों स्टेज तो अनाउंस किया गया यह बहुत माड़ी गल आ इस करके जिहड़ा सिख धर्म आ वह किसी की दखल अंदाजी नहीं चाहता ना असी किसी के धर्म विच दखल दिने ना साडे धर्म विच दखल देवो मनना मनो नहीं ना सही इस करके जेड़ा डिक्टेटरशिप आ वह 32 जथेबंदियां दी किसानी दे नाल आ साडे धर्म दे विच असी बेनती करदे आ हाथ जोड़ के बेनती करदे आ साडे धर्म विच दखल ना दिओ क्योंकि 1699 विच खालसा पंथ साजिया गया यह साडे दसम पातशाह ने साडे उत्ते कृपा कीती आ कि जिहदे विच एक गरीब भी एक अमीर भी एक बाटे दे विच अमृत छका के दिखाया। अज जिहड़ा किसान मोर्चा है दिल्ली दे विच उत्थे भी सारिआं नूं इक्को रस्ते विच दिखा दित्ता वी इत्थे गरीब भी ते अमीर भी दो कनाल वाला भी मजदूर भी ते 100 एकड़ वाला भी इक्को जगह बैठ के प्रशादा छकता ते बाकी रही गल हर पिंड दे विचों बेनती आ कि थोड़ा थोड़ा अपना योगदान दिंदे रहो क्योंकि आने वाला जिहड़ा समा आ काम कार वाला समा आ इत्थे पता नहीं किन्ना क समा लगना अज आपां 6 महीने 1 दिन बाद इत्थे इकट्ठे होए आ 25 सितंबर नूं आपां रेल रोको इत्थे कीता सीगा अज 6 उस ते सुन के आवाम जिहड़ा आ
खत्म करती नीति है सेंटर सरकार की। सो वीरो जेड़ी मैं गल आप दसनी चाहना है वो ये है कि वीरो ये मोर्चा चढ़ती कलम जा रहा है। क्यों कि अज जागरूक हर बच्चा हो चुका है कि जे काले कानून दोनों आर्डिनेंस जारी हो जाते हैं कि आने वाली साड़ी जरा खतरे च आने वाली पीढ़ी जी साड़ी है खत्म हो जाएगी। इस करके वीरो मोर्चे इस संघर्ष को जीतने वास्ते सानू वीरो सब तो पहला साडा ध्यान संयुक्त मोर्चा जो साडे सियाने लीडर साहबान उन्हां गलों जो कार आउंदी है उते पहरा देने की लोड़ जो संयुक्त मोर्चा कहिंदा है सानू उन्हां कदमां ते चलण की लोड़ है। तो वीरो मैं कहना की चाहुंदा है हरियाणे वालियां वल्लों सानू एक ताना मारिया गया जिस पंजाब ने यह संघर्ष शुरू किया सीगा वह संघर्ष दिल्ली दिया बार्डर से चले गया हरियाणे का साथ मिलया यूपी का साथ मिलया मध्य प्रदेश का साथ मिलया राजस्थान का साथ मिलया साथ की वह अंदोलन पंजाब तो शुरू होकर पूरे भारत में फैल गया उसकी रहनुमाई पंजाब ने की और लोगों जागरूक किया। पर अज हरियाणे वाले सानू की कहिंदे आ हरियाणे वाले ने जो किया वह कहिंदे असी सीएम खट्टर का अपने एक रैली दे विच हैलीकॉप्टर नहीं उतर दिता साडा कोई लीडर कितने भी रैली नहीं कर सकता।